ये अक्टूबर 2014 की बात है, जब एक यंग लड़का जो एमडी कर रहा था उसने मुझसे संपर्क किया। उसके संपर्क करने का कारण यह था कि पिछले 2 दिन से उसका सिर दर्द बहुत तेज हो गया था। मैंने पूछा कि थोड़ा बताओ सिर दर्द के बारे में क्या हो रहा है, तो उसने बताया कि सिर दर्द सर बड़ा थ्रॉबिंग टाइप का है, पल्सेट हो रहा है सर। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने अब क्योंकि मुझे जानना था कि ये क्यों शुरू हो गया ये हेडेक, मैंने उससे ये पूछा कि ये आया क्यों। तो उसने बताया, उसने डिटेल्स दी कि सर हमारे एग्जाम्स नज़दीक हैं और हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, रात रात भर जाग कर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ने की वजह से सर नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो शुरुआत तो हल्का 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 हुआ, लेकिन अब पिछले 2 दिन से ये सहा नहीं जा रहा है, बहुत तेज हो गया है। मैंने थोड़ा सा और इंक्वायरी करनी चाहिए, मैंने पूछा अच्छा तो इसमें क्या क्या हो रहा है और ज़रा बताओ, कब कब ये बढ़ रहा है, कब ये घट रहा है। तो उसने बताया कि सर ये जो थ्रॉबिंग होता है ये तब बहुत तेज़ हो जाता है जब मैं यूरिन करने के लिए जाता हूँ, जब मैं मिक्चुरेट करता रहता हूँ उस वक्त थ्रॉबिंग बहुत तेज़ हो जाता है, या सर जब मैं आगे की तरफ झुकता हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ने लगता हूँ उस समय बहुत तेज़ हो जाता है, या सर तब भी बहुत होता है जब मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता रहता हूँ, जब मैं पढ़ता रहता हूँ उस वक्त बहुत तेज़ होता है। सर ये पेन बहुत अनबेरेबल है और मैंने बहुत सारे एनाल्जेसिक्स ले लिए, बहुत सारे पेन किलर्स खा लिए, लेकिन सर ये पेन कम नहीं हो रहा है। सर इसलिए मैं होम्योपैथी लेना चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम्स भी नज़दीक हैं और पढ़ाई करना है हमको, पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने हैं। अब इस छोटे से केस में हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की हैं इसके अंदर अगर हम एस देखने जाएं तो क्या एस हमको मिला? ज़रूर मिला। इसके अंदर हमको अडेप्टेशन भी मिला है, इसके अंदर हमको उसका कंसर्न भी मिला है और इसके अंदर हमको उसका एग्जैक्ट कॉज भी मिला है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अडेप्टेशन क्या क्या है। इसके अडेप्टेशन में देखिए क्या है। पहला है कि जब ये आगे की तरफ झुकता है तब सरदर्द बहुत तेज हो जाता है, जब ये पढ़ाई करने बैठता है तब भी सिरदर्द बहुत तेज हो जाता है, जब ये यूरिन करते रहता है, जब ये मिक्चुरेट करते रहता है उस वक्त भी सिरदर्द बहुत तेज हो जाता है। ये सब उसके फिजिकल अडेप्टेशन है उसकी बॉडी के, ये सब उसके बॉडी के फिजिकल अडेप्टेशन है जो मोडालिटीज के फॉर्म में हमारे सामने है। अब इसका कंसर्न क्या था? कंसर्न था कि मुझे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, एग्जाम्स नज़दीक हैं और ये सिरदर्द मुझे तकलीफ दे रहा है, हमको कंसर्न भी पता चल गया। अब इसके अंदर कॉज क्या मिला? मिला, बिल्कुल मिला, कॉज भी मिला। कॉज क्या है? क्योंकि ये कई कई दिनों से सोया नहीं है, कई कई दिनों से इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए सिरदर्द शुरू हुआ। पहले थोड़ा था लेकिन पिछले 2 दिनों से बहुत तेज हो गया है, इतना कि एनाल्जेसिक्स भी रिलीफ नहीं दे रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को अगर हम रूब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हमको सब कुछ मिलेगा? क्या कॉज हमको मिलेगा रूब्रिक में? मिलेगा। कॉज क्या है? नींद पूरी नहीं होना। क्या हमारे पास ऐसा रूब्रिक है? बिल्कुल है। अगर आप जनरलिटी सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको ये रूब्रिक मिलेगा, स्लीप लॉस ऑफ फ्रॉम, जनरलिटी सेक्शन में स्लीप लॉस ऑफ फ्रॉम। सेकंड रूब्रिक क्या था? हेड पेन ऑक्सीपुट पल्सेटिंग, हेड पेन
ऑक्सीपुट पल्सेटिंग। थर्ड रूब्रिक क्या था, हेड स्टूपिंग वाइल एग्रेवेट्स। फोर्थ रूब्रिक था हेड मेंटल एग्जर्शन एग्रेवेट्स। फिफ्थ था हेड पेन जनरल यूरिनेशन एग्रेवेट्स ड्यूरिंग। आप इसमें देखेंगे इसमें आपको कॉज भी मिल गया, आपको कंसर्न भी मिल गया और आपको अडेप्टेशन भी मिल गया। इन सभी को अगर आप कंबाइन करेंगे तो सिंगल रेमेडी आती है इग्नेशिया। अब हम सभी जानते हैं कि इग्नेशिया कितनी स्टूडियस है। इस पेशेंट को इग्नेशिया 30 पोटेंसी में दी गई थी एंड ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, एक मैजिकल एक्सपीरियंस था कि विद इन 30-40 सेकंड्स उसका हेड पेन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था, खत्म हो चुका था। क्या इतना स्पीड कोई एनाल्जेसिक दे सकता है, इतना स्पीडली रिकवरी कोई भी पेन किलर दे सकता है? नहीं दे सकता। होम्योपैथी इज द फास्टेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब अगर आपसे कोई कहे कि होम्योपैथी बहुत स्लो है, बहुत धीमे काम करती है, तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। मैं डॉक्टर सुशील दुबे बोल रहा हूं और आज संडे को ईऑन रूब्रिक मॉड्यूल के आखिरी और अंतिम सेशन 4 में आप सबका स्वागत करता हूं।